अस्सलाम वालेकुम। सो दिस इज़ डे 8 और अभी 1:13 हुए हैं और घर जाते हुए मैंने आइस्ड कॉफ़ी ली है जिसके अंदर वनीला आइसक्रीम भी थी और इस हिसाब से मैं अब अपने पूरे दिन की जो कैलोरीज हैं उनको मैनेज करूँगी। सो 7 डेज गुजर गए और आज 8th डे। अब मैं अपने लिए लंच तैयार करने लगी हूँ और लंच में आज कल की जो थोड़ी सी दाल बची है वो खाऊंगी और साथ में मैं बना रही हूँ सलाद और इसके अंदर मैं कुकम्बर, टमाटर और मकई और सलाद पत्ता और बॉइल्ड चिकन डालूंगी, ठीक है ना। अच्छा जी, मैं जो हूँ ना सलाद उसमें कोई बहुत ज़्यादा ड्रेसिंग्स नहीं डालती हूँ। मेरे लिए एक जो नींबू का जूस है ना, नींबू का जूस, लेमन जूस, वही काफ़ी होता है। और सलाद बनाना आई थिंक आसान था, काफ़ी आसान तरीन काम है, लेकिन इसके लिए भी आपको मोटिवेशन चाहिए। आम रूटीन में हम कहाँ इतना सलाद खाते हैं, लाइक हम इतनी वो मुश्किल मुश्किल डिशेस बना लेते हैं और सलाद बनाना हमें जो है ना वो मुश्किल लग रहा होता है बनाना भी और खाना भी। खाने में कलर्स पड़े होते हैं लाइक रेड एंड येलो, खासकर आई एम ग्रीन नाउ, आई एम नॉट रियली फाउंड ऑफ बॉइल्ड चिकन, आई डोंट नो व्हाई, नो वे। अच्छा जी, इसके अंदर मैंने चॉप करके कुकम्बर डाला है आधा, एक टमाटर और हाफ जो है वो मैंने इसके अंदर डाल दिया है सलाद पत्ता और तकरीबन 40 ग्राम्स इसके अंदर ये कहे हैं कॉर्न, ठीक है। इसके अंदर मैं कोई ड्रेसिंग नहीं डाल रही हूँ, सिर्फ हल्का सा लेमन जूस डाल दूंगी अगर मुझे लगा कि ज़रूरत है तो। नमक और काली मिर्च मैं बिल्कुल नहीं डाल रही, और चिकन मैंने बॉइल्ड में डालना था लेकिन मेरा वो खाने का दिल नहीं कर रहा, लाइक बॉइल्ड चिकन थोड़ा बोरिंग लगता मुझे, तो मैं इसको ऐसे ही खाऊंगी। और साथ में जो कल दाल मेरी बची थी उसको मैं अब गर्म करती हूँ, उसके ऊपर मैं डालूंगी अपने क्रिस्पी अनियंस। तो ये मेरा लंच है, ठीक है ना। दाल भी गर्म हो गई है और अब मैं इसके साथ एक और चीज लूंगी जो है मेरी सीजेम स्टिक्स। इसके साथ में कोई रोटी चावल नहीं ले रही, ये जो मोस्टली स्नैक्स में खाती हूँ आज मैं अपने लंच में खाऊंगी। सो दिस इज माय मील नंबर 1 आई थिंक। मैंने इससे पहले पिया आइस्ड कॉफी विद आइसक्रीम, बहुत मजे की थी, बहुत मजा आया, गर्मी आज कदरे बेहतर है, लेकिन आई थिंक इसको मैं मील नंबर 1 कंसिडर करूंगी और आज शाम में मैं रोटी खाऊंगी या विद सब्जी। मामा एंड बिब्सी आर बैक इन किचन और अभी हम बनाने लगे हैं एक यम्मी स्नैक। माय गॉड, दे आर सो क्लाइन, कितनी माशाल्लाह बेबी स्ट्रॉबेरीज हैं ये तो। ये मैं 5 नहीं लूंगी, ये मैं 10 लूंगी। इनको ना अभी ये इनके पार्ट्स अलग करके ना फिर
वो करती हूँ धो के टू हिस्सों में कर लेती हूँ, मतलब दो हिस्सों में कर लेती हूँ क्योंकि बहुत छोटी है और बहुत क्यूट है। ये तो मेरी बेटी जैसी है, क्यूट क्यूट छोटी छोटी। जी तो जो टिंडे हैं वो तैयार हो चुके हैं और टिंडे भी मेरी फेवरेट सब्जी है, लाइक दाल टिंडे, मतलब चीज़ें मोस्टली आम लोगों को पसंद नहीं होती वो मुझे पसंद होती है, लाइक मोस्टली लोग नहीं खाते हैं। खैर मैंने भरे हुए टिंडे बनाने की कोशिश की है, कोशिश। फाइनल मील ऑफ द डे और उसकी फाइनल लुक, लाइक आई लव टिंडास, यम यम यम। साथ मैंने उसके सलाद लिए और एक मैंने रोटी बनाई है। हमारी रोटी माशाल्लाह काफ़ी बड़ी होती है, लाइक पाकिस्तानियों की सबकी, मतलब मेरे खानदान में तो सबकी बड़ी होती है। इंडिया वालों की ना रोटियाँ इतनी छोटी छोटी सी होती हैं, लाइक वो इतनी क्यूट लगती हैं और उसमें से आपको फिर कैलोरीज भी कम मिलती हैं। तो मैंने एक रोटी बनाई है और मेरे मुँह में पानी आ रहा है, ओह माय गॉड। अच्छा जी, आज फ्राइडे था और माशाल्लाह कल सैटरडे और संडे है, लाइक दो दिन ऑफ है, वीकेंड है, बाहर घूमने फिरने जाएंगे और खाना भी खाएंगे मज़े मज़े का बनाकर। और ये वीडियो कल लगेगी जब सैटरडे होगा, तो आई होप कि आपका वीकेंड भी बहुत अच्छा गुजरे और अच्छा अच्छा खाना खाएं और खुश रहें। अल्लाह हाफिज़।